बैटरी। सबसे पहले हम बैटरी का एरर देखेंगे, फिर हम बैटरी पर जाएंगे। सबसे पहले बैटरी की बात नहीं पाया, उसके बाद हम बैटरी पर जाएंगे। पहले बैटरी का एरर देख लो, फिर देन उसके बाद जाएंगे। नोटिस करो, तो बैटरी के एरर में मैंने यहाँ पर बहुत सारी फोटो डाली हुई है। ये चलिए सबसे पहला फोटो अब ध्यान दे रहे हैं, पहले समझो फोटो मत खींचो। जब भी आप चार्जर लगाएंगे तो आपको किसी भी किसी बहुत सारे अलग अलग तरह के सिंबल्स आएंगे। अभी एक्सक्लेमेशन चिन्ह होता है इसमें, यहाँ पर ध्यान रखना। पर ये सिंबल यहाँ पे लिखा चार्जर एरर, क्या लिखा हुआ है बट ध्यान रखना, हम चार्जिंग एरर तब तक नहीं उसको मानेंगे। चार्जिंग एरर मतलब चार्जिंग का कोई सप्लाई, चार्जिंग आईसी की कोई पैड जो हम चार्जिंग लगाते समय हमें चार्जिंग को पूरा कर रहा है और कहीं ना कहीं कोई पैड मिस है या कोई कंपोनेंट निकल गया है तो चार्जिंग एरर आ जाता है। बट अगर हम बात करें हमारा बैटरी का एरर है कि नहीं है तो ये कैसे पता करेंगे? अगर यहाँ पर बैटरी लिखा होगा, बैटरी क्या लिखा होगा, मान लो सिर्फ सिंबल आता तो मैं चार्जिंग का एरर मान लेता। किसका एरर मान लेता? तो फिर मैं ये भी मान लेता ये लोगो पर है, ध्यान रखना ये चार्जिंग लोगो पर है। अभी क्या फोनों में जिसमें यूएफएस लगा होता है और अगर हमसे चार्जिंग लोगो आता है तो वो हमारा सीपीयू और ईएमसी का यूएफएस का भी प्रॉब्लम होता है, वहां पर सीपीयू तक रिवॉल्व करना पड़ सकता है। बट यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बोलो। दो चीज ढूंढना है, दो चीज ढूंढना है। पहली चीज क्या ढूंढेंगे हम? बैटरी ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे बताइए? तो ये बैटरी का बीएसआई का एरर है। किसका एरर है? ध्यान देना, तीन चार यहाँ पर आपकी एक होता है बी बैट, क्या होता है एक होता है बीएसआई, एक होता है बी टेम और एक होता है ग्राउंड। मैं बताऊंगा बीएसआई क्या होता है, बी टेम क्या होता है। बीएसआई होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, क्या होता है जो चार्जिंग का लोगो ऊपर आप देख रहे हो ना कि कितना स्टेटस है वो आपको इसी लाइन से दिखाई देता है। और दूसरा होता है टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है बैटरी का। और फ्यूल गेज, एक तरह से फ्यूल गेज का सर्किट है वो। फ्यूल गेज मतलब ये बताना कि कितना आपका बैटरी में यहाँ पर कितना बैटरी भरा हुआ है, कितना आपका भरा नहीं है, कब आपका भरेगा। सो ध्यान दो, अगर साइन बैटरी लिखा है तो इसका मतलब ये बीएसआई का फॉल्ट है। किसका फॉल्ट है? बोलो बीएसआई, जिसको हम बोलेंगे आईडी का फॉल्ट। किसका फॉल्ट? बोलो सर्किट में स्कीमेटिक में बीएसआई कभी नहीं बोला जाता है, आईडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, क्या? और बीएसआई मतलब बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। बोलो और अगर यहाँ पर गलती से ये लिखा होता, क्या लिखा होता बताओ, तो हम सबसे पहले इसको बी टेम का मानते। किसका मानते बताओ? तो मुझे बताओ ये किसका एरर है? ये किसका एरर है? क्यों? पहला फोटो खींचो, बैटरी लिखा है बी एस, यहाँ हमको बैटरी भी चेक करनी है, यहाँ हमको बैटरी कलेक्टर भी चेक करना है। अब ध्यान देना आराम से, धीरे धीरे बता। अब अगला, अगर हम अगला फोटो की बात करें, नोटिस करो पहले एक बार सारे फोटो देखो। अब ये फोटो देखो, यहाँ पर भी सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पर भी तुम ये बोलो एक्सक्लेमेशन चिन्ह का सिंबल आ रहा है, पर क्या यहाँ पर बैटरी लिखा है? बोलो क्या यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ पर एरर प्लग इन प्लग आउट, ये प्लग आउट चार्जर है, ये बोला लगाने के बाद प्लग आउट हो चुका है, तो ये चार्जिंग का एरर है। किसका एरर है बताओ? फोटो खींचो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओ चार्जिंग का एरर। बिना यहाँ पर बैटरी चेक ही नहीं करनी है, ना यहाँ पर बीएसआई चेक करना है, ना बीटेन चेक करना है, ध्यान देना। ये वाले एरर टेक्नो में आते हैं, टेक्नो के फोनों में आते हैं ये एरर, ठीक है। यहाँ पर चार्जिंग आईसी का फोल्ड होता है। दूसरा ये किसका एरर है? बैटरी एरर मतलब यहाँ पर हमको बैटरी कनेक्टर पर जाना है। अगला अब यहाँ पर एरर देखिए, तो अगर हम इस एरर की बात करेंगे, ध्यान दो ये ओप्पो में आता है, इस एरर में पहले बताओ किसका एरर है? बैटरी का। किसका? क्योंकि अनेबल टू चार्ज, सो हम चार्जिंग मान ले, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मतलब यहाँ आईडी की लाइन चेक करनी है। किसकी? बोलो आईडी। ये फोटो बैटरी एरर, यहाँ पर किसका एरर है? बोलो आईडी। आईडी मतलब क्या? बीएसआई। ये जो फोटो, ये हमारे वीवो में आता है इस तरह का सिंबल। अब और अगर मैं सिंबल की बात करूं, अगला ये हो गया, ये देखो ये चार्जिंग एरर। अब यहां पर ना बैटरी लिखा है ना टेम्परेचर, मतलब ये चार्जिंग का एरर है। किसका एरर है?
ये हमारे आज का सेक्शन ही नहीं है, हमें चार्जिंग एरर नहीं आज सॉल्व करना, आज हमारे को केवल दो सॉल्व करना है, वो भी अगर से एरर है तो। अगर आपका फोन कुछ देर में चलने के बाद ऐसा मैसेज करता है शट डाउन, किसका शट डाउन, तो आप ध्यान दो सब लोग शट डाउन का मैसेज पढ़ो, अगर मैसेज के अंदर भी बैटरी लिखा हुआ है तो ये आईडी का है, और अगर टेम्परेचर लिखा है तो ये बी टाइप का है। तो यहाँ शट डाउन में बताओ क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है, अरे ये बी टेम का है, किसका बताओ, खींचो फोटो। ये कह रहा है टेम्परेचर, मतलब आपने टेम्परेचर का ये टेम्परेचर का है, मतलब बी टेम का है, बी टेम। ये आईडी का फोल्ड नहीं है, आईडी के फोल्ड में कभी भी टेम्परेचर नहीं लिखा आता है। अगला देखिए, आप ध्यान दो यहां पर, ये आपके ओप्पो के फोन में आता है इस तरह का चेन। अब यहां पर अगर मैं इसको घुमाऊं और इसको घुमा के यहां पर देखा हो तो ये यहां से घूमने इसमें नहीं घूमेगा, तो बेसिकली इसको चलो ये ऐसे ही देख लो अभी फिलहाल, इसको यहां पर देखो यहां पर क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, मतलब ये किसके आधार है, चलिए बताओ, आईडी बोलो, बोलो आईडी फोटो खींचो, ये एरर भी, ये सारे एरर खींचो, बाद में एरर समझ में नहीं आएंगे अगर मैंने बताऊंगा नहीं कभी, तो क्योंकि मेरे को बहुत बार मेरे स्टूडेंट पुराने पूछ पूछ के परेशान कर देते सर ये किसका एरर था, तो मैंने दिमाग में रख लिया भाई ये सारे एरर दिखाओ इनको, तो ये मैंने अपडेट किया 2-3 महीने पहले से, ये बैटरी एरर। अब ध्यान दो, ये हमारे सैमसंग में फोन में एक मैसेज आया हुआ है चार्जिंग, सिर्फ चार्जिंग का मैसेज इसलिए आता है क्योंकि चार्जिंग लगाने पर आया है, पर मैसेज पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मतलब किसका एरर, बी टाइम का, किसका एरर, नीचे फोटो, ये बैटरी बी टाइम का एरर है। और एक और चीज, एक फोटो नीचे बी सैमसंग में दिमाग में ध्यान रखना, सैमसंग के किसी भी मॉडल में जिसमें भी ए सीरीज लिख दे रहा हूं, मतलब A50 एक मॉडल, M सीरीज मतलब M30, F सीरीज मतलब F41, S सीरीज मतलब S9, और जो भी सीरीज है, किसी भी फोन में आईडी नहीं होता है, क्या नहीं होता बताओ, और ना ही बी टैम होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है मेरी बात, तो ये एरर केवल केवल एक ही का है, टैम का, थर्मिस्टर का है, किसका है जल्दी बताओ, तो ये हमारे सैमसंग में ना हमारा बैटरी आईडी होता है ना कुछ होता है, यहां पर सिर्फ थर्मिस्टर, ये सिर्फ और सिर्फ थर्मिस्टर का फॉल्ट है, यहां तुमको थर्मिस्टर ढूंढना है, कुछ बैटरी में तो दो पिन होते थे पॉजिटिव में, वो बताऊंगा आप यहां पर ध्यान दो, आप यहां पर ये सैमसंग का फोन है, यहां पर अगर यहां पर थर्मामीटर बना होता, बोलो ये थर्मिस्टर का फोल्ड होता, थर्मामीटर बना है क्या, एस्केलेमेंटन चेन बना है, दैट मी, और नीचे वाटर का बना है, क्या बना है, इसका मतलब है सब बोर्ड में पानी चला गया है, क्या चला गया है, हाँ ये अभी मॉइस्चराइजेशन का इस तरह का फॉल्ट आ रहा है सैमसंग में, तो बेसिकली जब भी ये फॉल्ट आए तो आपको सब बोर्ड क्लीन करना है या सब बोर्ड चेंज करना है, और अगर उस पर काम करना चाहते हो तो सब बोर्ड में डायग्राम के साथ बताऊंगा, एक रजिस्टर होता है जो सीपीयू से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, और वो रजिस्टर का वाटर मॉइस्चराइजेशन का इस तरह का सप्लाई लिखा होता है वाटर एम, अगर उस रजिस्टर को बना ही इसलिए गया है कि अगर इस पर पानी गया तो सीपीयू ये मैसेज दे देगा, तो मतलब हमको ये रजिस्टर चेंज करना है, ये रजिस्टर क्या करना है चलिए बताओ, चेंज करना है, खींचो फोटो, ये पानी मॉइस्चराइजेशन, ये इस तरह का आपको मैसेज भी आएगा, इसमें थर्मिस्टर नहीं ढूंढना है ना देना, ऑलरेडी रजिस्टर को भी सब बोर्ड में। अगला जल्दी देखो यहां पर आप नोटिस करो, मुझे बताओ आईडी का है टेम्परेचर का है किसका है, आईडी का है टेम्परेचर का है, दोनों में से किसी का है या नहीं, हाँ या ना, आईडी का है नहीं, ना आईडी का है ना टेम्परेचर का है, आईडी का होता तो बैटरी लिखा होता, क्या लिखा होता, ऐसा कभी नहीं आता है, चार्जिंग का है या चार्जिंग का है, या अगर यूएमएस लगा तो सीपीयू एमएमसी के अंदर तक जा रहा है, तो डेट मीन यहां पर ये ना आईडी का ना ये चार्जिंग का माना जाएगा, किसका माना जाएगा, चार्जिंग एरर, इसको चार्जिंग एरर बोलेंगे, खींचो फोटो, ना कभी भी
आप इसको यही चीज हो रही है और यही चीज की थी, यही अलग तो आया, सेम ये अलग मैं बताऊंगा इमीडिएटली, वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने बनाया, सेम यही अलग आया और चार्जर लगाते तो ये आ रहा है। और देखो कैसा काम किया है, जहां जंपर जहां ऑलरेडी टैग है वहां भी जंपर मार दी, उसके बाद सब नहीं बना तो ले आए जेब में रखकर। अगला यहां पर ये बताओ किसके अंदर है, ध्यान देना, ओप्पो हो वीवो हो कोई सा भी सेट हो, बैटरी का एरर ना बैटरी लिख कर आता है, और टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर लिख दो, यहाँ प्राइमरी लाइन दो के मान सकता हूँ, पर सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है, कौन सी लाइन में शॉर्टिंग है, हाँ यहाँ कोई VREG का लाइन शॉर्ट है, खैर इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये अपना कोई भी हो सकता है, अब कैसे पता चलेगा, ये डायग्राम से पता चलेगा, किसे पता चलेगा, हालांकि मैं और भी आगे बताऊंगा। तो ये मेरा आईडी का हो सकता है और ये मेरा टेम्परेचर का हो सकता है, दोनों में हो रही है लाइन, मान लो इस फोन में टेम्परेचर का वोल्ट होता, किसका वोल्ट होता, टेम्परेचर शट डाउन होता, और अगर इन दोनों में किसी पे भी एक पर ओपन आता तो हमें उसी लाइन को ढूंढना होता, समझ रहे हो। अब देखो अगर इस फोन को मैं डीसी के साथ कनेक्ट करूं तो मे बी मुझे ऑटो रीडिंग मिल सकती है, क्या मिल सकती है, क्योंकि वो रिवर्स में हजार से कम था, हजार से कम था। हेलो इधर देखो, फिर से दिखा रहा हूं, देखो मल्टीमीटर देखो, ये मेरा, अब देखो अभी मेरा बीबेट सही आ रहा है, अभी मेरा बीबेट कितना आ रहा है बताओ, 400, अब रिवर्स कर रहा हूं तो हजार से कम, तो मैं मल्टीमीटर से बता सकता हूं कि यहां पे डीसी पे लगाऊंगा तो ये लीकेज दे देगा, क्या दे देगा, डीसी में दीपक सर को डीसी में लगाओ, देखो मैं डीसी में लगाऊंगा तो लीकेज दे देगा, सिर्फ मल्टीमीटर पे बता सकते हैं, सिर्फ बीबैक पर हजार के नीचे आ गया, हजार मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं, मिनिमम 900 के नीचे, 900 बोलो, तो यहां पर लगाएंगे प्लस माइनस, तो यहां पर देखो प्लस माइनस लगाएंगे तो ये देखो ऑटो रीडिंग है, तो पूरा शॉर्ट जा रहा है, यहां पर देखो लगाओ तीन हो गई चार हो गई, एक बार मैं सैमसंग में भी चले जाऊ चार में, सैमसंग में नोटिस करो कौन सा नंबर का ग्राउंड बोला, तीन नंबर, बोलो तीन नंबर, तो हमेशा पहले तीन नंबर गिनना, तीन नंबर, तो हम पहले यहां से गिनेंगे एक दो तीन, ये ग्राउंड होना चाहिए, नहीं है तो यहां से गिनेंगे एक दो तीन, ये ग्राउंड होना चाहिए, तो जो भी तीन ग्राउंड है वहीं से हमें पहला नंबर बीबैट चलना है, क्या चलना है, अब बीबैट का रीडिंग कितना बोलो, रिवर्स करूंगा तो कितना क्या हुआ, अरे हजार के ऊपर, यहाँ पर आईडी मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और ये एनसी है, क्या है बोलो, अचान दो, अब इस पर आ जाता हूँ, अब इस पर अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर कितने पिन दिखाई दे रहे हैं, बोलो सर 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितने जी आ है, चाइना का है, किसका है, चाइना मतलब सैमसंग नहीं है, सैमसंग नहीं है चाइना, अब दुनिया का कोई भी साइट हो, एप्पल भी हो गई चाइना, सैमसंग नहीं है सब चाइना सर, और आप चाइना अभी क्या करें, तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो एक दो तीन चार, समझ में आया, हेलो ये आपस में बीत दे रहा है क्या, कोई बताओ, एक दो तीन चार, रिक्वायरमेंट बोलो कितनी, और सर कोई भी अगर आए आईडी या टेम्परेचर उनमें से कोई भी एक पॉइंट आएगा तो उसी को बनाना है, उसी को बनाना है।
होती है। अब ये नहीं सर कैसा पता चलेगा ये है वो, जीआर पता करो भाई, जीआर किसी का कौन सा आ रहा है। जीआर में जाएंगे तो जीआर में जाएंगे तो पहले ग्राउंड ढूंढेंगे, दान दो तो ये जीआर में जाएंगे और पहले ग्राउंड ढूंढेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये ग्राउंड है, क्या बोलो ग्राउंड है, और यहाँ पर चेक करेंगे कहा जाता है, वो बी बैट को चेंज नहीं किया है ना ही कभी करेगा। दूसरा डीएसआई, डीएसआई को आईडी कहा जाता है, क्या कहा जाता है आईडी, ज्यादा ज्यादा ऑक्सिलरी आईडी होगा, ऐसा होगा ऑक्सिलरी अंडरस्कोर आईडी, ये होगा ऑक्सिलरी आईडी। तीसरा बी टेम को ये लोग पैरा बोलते हैं एनटीसी, क्या बोलते हैं एनटीसी, मतलब तुम्हारे बैटरी कनेक्टर पे डायग्राम के अंदर ये भी लिखा हो सकता है। एनटीसी के अलावा लिखा हो सकता है बैट ऑन, बोलो क्या बैट ऑन, बैट अंडरस्कोर ऑन, ये नाम है इसके। और उसके अलावा फिर टेम्परेचर ही लिखा होगा, थर्म लिखा होगा, क्या लिखा होगा बता, थर्म। सो एक और चीज और दो और चीज लिखी होती है SDLCL, जो कि आने वाले सेटों में वो भी बताता हूं अपग्रेड के रूप में जो आपको मिलेंगे आगे आने वाले सेटों में। दान दो इधर देखो, अगर मैं इसका डायग्राम उठाऊं तो सब लोग दान दो, तो डायग्राम को भी पढ़ना है बैटरी कनेक्टर। तो हमने सौमी उठाया, अभी सौमी का डायग्राम पढ़ेंगे और यहां पर उठाया लेआउट उठाया, अब डाल दो। अब जूम करेंगे इसको, पहले से जूम कर लो। अब यहां पर बैटरी कनेक्टर पे जाएंगे जे, अब उसको डबल टिक करेंगे। अब सब लोग डाल देना ये बैटरी कनेक्टर है, बताओ कितने पॉइंट लिखे हुए हैं। हेलो तुम चार्ट पढ़ रहे थे या एंटी क्लॉकवाइज है कि जिगजैग है, चलिए होता हूं कैसे वाइज है, हेलो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक और आठ यहां पर डाल दो, एक और आठ यहां पर क्या है रिवेट, दो और साठ यहां पर क्या है रिवेट, तीन और छह यहां पर क्या है रिवेट, और चार और पांच यहां पर क्या है रिवेट। नीचे बोलो ये सब जुड़े हुए आपस में, दो सात तीन छह चार पांच। अब डाल दो, अब आगे देखते हैं कि इसको क्या बताया गया है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं और बी बैट देखूं तो बी बैट को बी बैट ही बोला गया है, क्या बोला गया है B-back. और अगर टेम्परेचर की बात करूं तो नीचे ये लाइन गई है तो यहां पर बैट थर्म बोला गया है, क्या बोला गया था खींचो बोलो बैट थर्म बैटरी थर्म। और अगर आईडी की बात करूं आईडी तो आईडी को यहां पर बोला गया बैट आईडी बैट कनेक्शन आईडी खींचो फोटो। अब यहां पर 924 का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये दो पन्नों में जा रहा है केवल, कितने दो, हेलो दो पन्नों में, कौन से पन्नों में जा रहा है दो पन्नों में, इसका मतलब ये सिर्फ दो पन्नों में जा रहा है यहां पर। तो खैर अपन बाद में बात करेंगे, आओ अपन और यहां चलते हैं। अब एक और चलो हमेशा ध्यान रखना बैटरी के आई साइड मत गिनना पर डायग्राम वो भी गिनता है, तो ये भी पॉइंट गिनता है पर हमें ये नहीं गिनना है। अब मुझे बताओ फिर से कितने पॉइंट है, आठ पॉइंट, हाँ कितने आठ पॉइंट, पक्का आया समझ में, सबसे पहले क्या चेक करना है इनों को गिनना है और कनेक्ट करना है। तो सर आइए चेक करते हैं, सेम वही है अलग कुछ भी नहीं है। बीप पे लाइए राम श्याम यहां पर खड़ा होकर बीप पे लाया करो, देखो तो पहली तो एक और ये इससे पूरी जुड़ी हुई है तो ये पूरा एक है, बोलो तो पंडित करेंगे अब यहां पर। तो इस बैटरी कनेक्टर में वो जो आई साइड की पिन है ना यहाँ पर वो भी बताएंगे। तो नोटिस करो ये पहली पिन जो मुड़ी है ये किसकी लिए, एक पिन जो चार और एक से कनेक्टेड है किसके लिए, और जो खाली दो पिन है वो किसकी, दो पिन के ऊपर एक पिन क्या दिखा है, ये
भी मैं कनेक्टर चेक करूंगा सारे, अब दिमाग में रखना, अब दिमाग में रखना, वीवो को छोड़कर, किसको छोड़कर, वीवो को कितने चाहिए, वीवो भी, वीवो भी चलना है। अभी मैं बोला सैमसंग तो चेक ही नहीं करना है, सैमसंग तो चेक ही नहीं करना है ना, देखा मैं सैमसंग की डायग्राम खोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, वीवो को छोड़कर हमें कितने जिया चाहिए, कितने जिया, तीन जिया चाहिए, कितने जिया चाहिए। मैं वीवो भी चेक करा रहा हूँ, पहले आप पहले वीवो के पहले देखो, ये सारे जो फोन है ये मैंने अभी तुम्हीं से लिए हुए हैं, ये सारे तुम्हारे क्वालिटी फोन है, किसी में लाइट नहीं है, किसी में नेटवर्क नहीं है, तो पर बैटरी तो ओके है ना इसकी। yes, तो हम एक बार इस ओके फोन की पूरी लाइन तो चेक कर सकते हैं ना। yes, मेरी बात है ना। और सबसे पहले हमें कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायग्राम बाद में, डायग्राम स्टेप टू होना चाहिए। ये नहीं कि फोन आया पहले डायग्राम जोड़ रहे हैं उसका। सर तुम्हारा नॉलेज पीसीबी में ऐसा होना चाहिए कि पहले तुम कितना नॉलेज डाल दो अपना, उसके बाद डायग्राम ढूंढने के लिए लगाओ। बेटा मैं आप डायग्राम हार्डवेयर सोल्यूशन, चलो अब मैं यहाँ पे कुछ मॉडल्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं बाहर में पीसीबी है उसके बाद में यहाँ चेक करेंगे। ये 6A का पीसीबी है, कितने पिन दिखाई दे रही है, वेरी गुड। आओ चेक करें, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बजर मोड लाओ, एक बार दबाओ बस, देखो एक ही है, नहीं दो तीन चार। अब कभी अगर ये दो बीच में ना बीप मारे तो ऐसे ऐसे ये कभी कभी आपस में भी कनेक्ट होते हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात। चार चार चार, क्या चाहिए, ये वीवो नहीं है ना, वीवो नहीं है तो तीन चाहिए, वीवो होता तो देखते क्या है। अब जीआर पे लाओ, किसका जीआर, किसका जी आर, विवेक पर उल्टा कर रहा हूँ, क्या ओके, लीकेज क्या, क्या रीडिंग, क्या डीसी पे क्या नहीं देगा, ऑटो रीडिंग नहीं देगा 102%। अब ध्यान दो, यहाँ पर भी जी आर आना, 1000 के ऊपर 1200, यहाँ पर भी जी आर आना, तो दोनों का जी आर अलग अलग होता है, इसका मतलब एक आई डी है और एक। अब चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये ओप्पो का फोन है। अब बैटरी भी चेक करना सीखो, अब बैटरी कैसे चेक करते हैं, तो अगर मैंने यहां बैटरी लगाई, अगर मैंने दीपक सर बैटरी वाले वोल्टेज दो, बैटरी वाले अपने वाले निकाल के दो, जिसमें पत्र उतरे जिसमें बैटरी अपनी, यहां पर वो निकालो जिसमें अपने वाले जिसमें वो पत्रे उतरे अभी। अब देखो, अब मैंने बैटरी लगाई और मुझे पावर के पास जो एल सीरीज है उनमें से किसी एक पर भी अगर बीपीएच बन गया तो मतलब मेरा डीसी टू डीसी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ चेक करूंगा, आ रहा है ना यहाँ पर, एक सैमसंग दो, अब देखो एक सैमसंग दो, यहाँ पर नोटिस करो, ये देखो ये सैमसंग का मोबाइल है F41। अब इसमें ये मेरी डीसी टू डीसी अभी मैं ढूंढना सिखाऊंगा, ये मेरी पावर है तो कहाँ ढूंढना है, बोलो एल शेप वाले कैपेसिटर में, तो सबसे किनारे सबसे बगल में लगे होते हैं। अब यहां पर ढूंढना है, अब यहां पर देखो, सबसे पहले मैं बैटरी को लगाऊंगा और बैटरी को लगाने के बाद अब यहां पर चेक करूंगा बैटरी के वोल्टेज, तो यहां पर चेक करूंगा कि बैटरी का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना, अब ये आईसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आईसी पर ढूंढने पर मुझे जो पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट है जो बीपीएस बना रहा है उसके लिए मुझे डायग्राम चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, ये तो जा तो सब जगह रहा है, तो मैं कोई भी एक सेक्शन पकड़ लूंगा कि वहां पे, और ये पावर सेक्शन सबसे इजी सेक्शन है, तो अगर मैं इस आईसी के पास अराउंड ढूंढूं तो मुझे यहाँ पर सेम 3.7 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 3.7 डाल दो, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ चेक करेंगे ये ग्राउंड होगा, यहाँ पर देखेंगे 3.7 आना चाहिए, अगर सॉरी मेरा ग्राउंड ही हट गया था, यहाँ पर भी आना है, यहाँ पर देखेंगे देखो आ गया, यहाँ पर भी आएगा 3.7 यहाँ पर भी आएगा, ये सारा ये सब कुछ क्या काम करता है ये मैं आगे सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ बस। तो यहाँ पर 3.7 तो एक्यूरेट आ रहा है, अप डाउन तो नहीं कर रहा, अप डाउन करता तो मैं ही समझता या इसी लीकेज है या इसके साथ कोई कॉम्पोनेंट शॉर्ट है, समझ में आ रहा है मेरी बात। ये देखो यहाँ पर ये ओप्पो में लगाएंगे, सब लोग जान दो ये ओप्पो में लगाया, अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ जल्दी बताओ, बीपीएच क्या चेक कर रहा हूँ,
डीसी टू डीसी एसी। क्या चेक कर रहा हूँ? डीसी टू डीसी एसी। क्या बनाता है? ले दे के दोनों ही। जहाँ किधर जाएगा बोलो, और इसमें कहाँ जाएगा? मेन पावर कहाँ पे जाएगा? मैं अभी चेक भी करवाऊंगा डायग्राम में। नाम मेरा देखो, हमको ट्रेसिंग करना तो हम शुरू से कर रहे हैं, एक से एक बीफ तोड़ना। आज हमने उसको सरल में समझा कि हम फॉइल लेकर जल्दी भी तोड़ सकते हैं, बट अब हमको ये समझना है कि आईडी का सर्किट बनता कैसे है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और किस आईसी में जाता है, ताकि अगर हम आईडी की लाइन को काम करें तो पहले किस कॉम्पोनेंट में और फिर किस आईसी पर, ये तो सीखना है ना। तो आईसी तो मैंने पहले बता दिया आपको टेबल के थ्रू, बता दी आप कॉम्पोनेंट बता रहा हूं। तो ये है सर्किट टू। सर्किट टू में ऐसा होता है, ध्यान देना, एक लाइन आईडी और एक लाइन थर्म। अब ये लाइन किसकी होगी जल्दी बताओ? आईडी। ये लाइन किसकी होगी? थर्म। अब ध्यान दो, इस पे क्या करेगा, 1K का रजिस्टर लगाएगा। कितने के का? 1K। हाँ, 3K का भी लगा सकता है। 3K का कब लगाता है? जब यहाँ पर जीआर 2000 से ऊपर आता है। तो अभी जीआर किसके ऊपर आ रहा है जल्दी बताओ? 1000 के ऊपर। किसके ऊपर आ रहा है जल्दी बताओ? अगर जीआर 1000 के ऊपर आया तो इसका मतलब सर्किट 2 है। सर्किट क्या है जल्दी बताओ? सर्किट 2 में कैसे काम करता है? जान दो, सर्किट 2 में क्या करता है? देखो, सर्किट 1 में क्या काम कर रहा था, यही जैसे मीडिया टेप की बात करूं सीपीयू के अंदर, मीडिया टेप की बात करूं सीपीयू के अंदर आईडी की लाइन, तो सर्किट 2 में ना सीधा आईसी के अंदर जा रहा था। तो इसी लाइन से जीआर भी आ रहा था और इसी लाइन से क्या आ रहा था जल्दी बताओ? बोलो, इसी लाइन पे क्या आ रहा था जल्दी बताओ? और इसी लाइन पे क्या आ रहा था? पर अब इन्होंने क्या किया है, इस लाइन से खाली खाली क्या दे रहे हैं बोलो? अब वोल्टेज के लिए उन्होंने इसी लाइन पे प्लग रजिस्टर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? मतलब इसी के बगल में, वो जो दो रजिस्टर एक साथ लगे हुए ना, इसी के बगल में एक और रजिस्टर लगा दिया है, और उस रजिस्टर को कितने वोल्टेज दे दिए जल्दी बताओ? और वो रजिस्टर भी पीएन से आ रहा है। कितना से आ रहा है जल्दी बताओ? ऐसा 1.8, मतलब यहां अतिरिक्त वोल्टेज दिए हैं अतिरिक्त। और ये रजिस्टर पे जो वोल्टेज है वी रेफरेंस लिखा होता है, इस पर सम क्या लिखा होता है बताओ? वी रेफरेंस या वोल्टेज। सो बेसिकली दो रजिस्टर लगे हुए हैं, दो। अब ये रजिस्टर तो 1K का हुआ, तो ये वाला रजिस्टर 10K का होता है। कितने के का? बोलो, हट गया तो 10K, ऑलवेज रिमेंबर। तो मतलब सर्किट 2 में दो रजिस्टर लगे हैं। कितने? दो। अगली बात समझना और उसको समझो। एक फोटो खींचो, बाद में सर्किट में क्या है ऊपर कुछ भी लिख दूं। अभी एक रॉ फोटो है, खींचो। अब वोल्टेज का बनेगा जब हम सर्किट पूरा करेंगे, बैटरी लगाएंगे और चार्जर लगाएंगे, ठीक है? तो वोल्टेज भी दिखाऊंगा, सर्किट देखने दो। देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो सिर्फ ये निकल गया वोल्टेज वाला कॉम्पोनेंट, कौन सा कॉम्पोनेंट बताओ? इसको बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? हाँ, पुल अप, क्योंकि ये ऊपर से आता है, पुल अप अलग से ऊपर से आता है वोल्टेज लेता है, पुल अप रजिस्टर। ये निकल गया, अगर इनकेस ये रजिस्टर निकल गया तो क्या यहाँ वोल्टेज आएगा? तो बैटरी का सिंबल आ जाएगा, मतलब बैटरी, क्योंकि हमको यहाँ वोल्टेज भी चाहिए। क्या चाहिए? वोल्टेज। हाँ, इसलिए हमको यहाँ पर 1.8 होना, तो इसलिए हमको रजिस्टर तब भी ढूंढना है। और अगर मान लो ये वाला रजिस्टर निकल गया, ये वाला, तो क्या होगा? यहाँ पे जीआर ही आना बंद हो जाएगा। जीआर आना क्या हो जाएगा? ये तो सर्किट पूरा की पूरा क्या कर देगा? ये पूरा की पूरा सर्किट क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो दिमाग में रखना कि सिर्फ जीआर नहीं, वोल्टेज भी चेक करना है। क्या चेक करना है जल्दी बताओ? तो वोल्टेज भी बताऊंगा मैं कैसे चेक करना है। अब देखिए, तो अगर यहां पर अगर अभी सर्किट को ट्रेस करेगी, आओ मैं एक बार ट्रेस भी कर देता हूँ फिर, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिकल भी करना है। कितने के का रजिस्टर यहाँ पे? कितने के का? 1K का रजिस्टर। ये आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब समझो, अब आइए सर्किट को ट्रेस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम सर्किट को ट्रेस करेंगे रेडमी नोट 8 प्रो, इसी में चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो का लेंगे। ये देखो, ये रेडमी नोट 8 प्रो लेआउट ओपन किया। अब सबसे ध्यान देना, रेडमी नोट 8 प्रो खुला है, हम यहाँ पर आईडी की लाइन ट्रेस करेंगे। किसकी लाइन? आईडी की लाइन। तो आईडी की लाइन कहाँ जानी चाहिए? तो कुछ सीपीयू कौन सा लगा है? हाँ, हमेशा ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं, पहली बार पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, आईडी किसी भी सप्लाई को जानने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बताओ? तो मीडिया टेक में अब आईडी
की लाइन कहाँ जानी चाहिए बताओ? सीपीयू में। तो चलिए सीपीयू, चलो हम डायग्राम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि हम तो सीपीयू से डायरेक्ट जंपर में मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं? पर हम रजिस्टर ढूंढते हैं क्योंकि डायग्राम है तो डायग्राम पढ़ना आना चाहिए। आओ देखो, तो अब हम इसको जूम करेंगे। ये गए कॉम्पोनेंट में कनेक्टर, ये हमारा कनेक्टर हो गया। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया, वापस लाएंगे ये। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया। अब यहाँ पर आईडी की लाइन जुड़ेगी। अब समझना कैसे ढूंढने का, तो यहाँ पर पहले ये दो अलग अलग लाइन कनेक्टेड है। जैसे ये लाइन कहाँ जा रही है? बी बैक, बी बैक। ये भी लाइन जा रही है बी बैक, ये बी बैक की लाइन है। अब यहाँ पर देखो ये लाइन कहाँ जा रही है, क्या लिखा हुआ है? आईडी। अब यहाँ पर देखो कितने रजिस्टर लगे, चलिए बताओ। यहाँ पर कितना रजिस्टर? 1K का। यहाँ पर कितना रजिस्टर है? 100K। पर आप उसको हटा के कितना K का लगा सकते हो? 10K। तो ये पुनः रजिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ था? अब हमेशा आपको दो रजिस्टर वाला सर्किट देखने को मिलेगा। अब ध्यान देना, ये फोटो खींचो इसका यहाँ पर, और ये जो जा रहा है ये सीपीयू में जा रहा है क्योंकि ये किसका सर्किट है? इंडिया टेक का। किसकी सप्लाई का? यहाँ से कितना वोल्टेज आ रहा है? 1.8। ये आ रहा है इस सर्किट में, और यहाँ से बेसिकली खाली क्या आ रहा है? और देखो ये रजिस्टर कौन सा है? 8-4700। तो 8-4700 आपका रजिस्टर कौन सा है? ये 8-4700, ये रजिस्टर, ये जो यहाँ लगा हुआ है 8-4700 यहाँ पर। तो और अगर ये बात करेंगे सर, नीचे है सर, तो रजिस्टर नीचे है। कौन सा? 8700। ये वाला बहुत खराब का है। हाँ सही कह रहे हो। ये हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया करो? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट